और ये तस्वीर अब आप हाथरस की देख रहे हैं और ये वही परिवार है जिन्होंने अपने हाल ही में घर की लड़की को खोया। अब आप देखिए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अब खुद आला अधिकारी पहुंचे हैं, डीजीपी पहुंचे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं और लगातार पीड़ित परिवार से आला अधिकारी मुलाकात करते हुए ये ढांढस बंधा रखे हैं कि सरकार उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है। और आप डीजीपी को सुनिए, देखिए डीजीपी परिवार को इस समय ढांढस बंधा रहे हैं कि उनके साथ में हर मुश्किल वक्त में सरकार उनके साथ में खड़ी है, प्रशासन उनके साथ में मौजूद है। लगातार अब आप देखेंगे बीच बीच में पीड़ित परिवार की तरफ से हाथ जोड़ते हुए खासतौर से मृतका के जो पिता हैं वो उनसे बात कर रहे हैं, वो उनके साथ में जो हुआ न्याय उसके बारे में उन्हें अवगत करा रहे हैं, जिस तरह से पुलिस का बर्ताव रहा उसको लेकर नाराजगी जता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अलग राजनीति भी होती हुई नजर आती है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वो भी हाथरस के लिए रवाना हो रहे हैं, उनके साथ में मौजूद है 35 सांसद भी। तो 35 सांसदों के दल के साथ में राहुल गांधी रवाना हो रहे हैं हाथरस के लिए। हालांकि कोशिश है, कोशिश 2 दिन पहले भी की गई, हालांकि राहुल गांधी से रवाना होते समय मीडिया ने सवाल करने की कोशिश भी की, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। कोई प्रतिक्रिया सामने आए तो जानना चाहेंगे कि आखिर राहुल गांधी के मन में क्या है हाथरस जाते हुए। और सवाल ये भी कि हाथरस हो बलरामपुर में भी देश की बेटी के साथ में कुछ क्या हुआ, उसको लेकर आखिर क्यों चुप्पी साधी है कांग्रेस, और राजस्थान के 12 में जो हुआ क्या उस पर भी कोई एक्शन लेंगे राहुल गांधी। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ में एक बार फिर से आपको बता दूं, हमारे साथ में साधना भारती मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मौजूद हैं, एसपी प्रवक्ता हमारे साथ में, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा मौजूद हैं, शलभमणि त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। शलभ जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी, राहुल गांधी 2 दिन पहले हाथरस जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है, एक बार फिर से जाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर क्यों रोका जा रहा है राहुल गांधी? अगर परिवार से मिलना चाहते हैं तो आखिर क्यों आपत्ति है? देखिए, पूरे 33 मिनट बाद आपने मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया है। उससे पहले मैंने शांति से आपको भी सुना, ये जो कांग्रेस की बहन बैठी उनको भी सुना, और ये उम्मीद करूंगा कि जो सच बोलूंगा उसको भी शांति से सुना जाएगा, क्योंकि देश इस पूरे मामले में वो घिनौनी सच्चाई जानना चाहता है जो मीडिया से लेके सोशल मीडिया और जनता के बीच में आ चुकी है। इस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने उत्तर प्रदेश को जातीय दंगे में झोंकने का प्रयास किया, किस तरह जातीय आग लगवाने की कोशिश की, तमाम सारे ऑडियो वायरल हो चुके हैं, तमाम सारे वीडियो वायरल हो चुके हैं, किस तरह एक तथाकथित पत्रकार, एक बहुत बड़े चैनल की पत्रकार, वो किस तरह पीड़ित परिवार को समझा रही है कि नहीं, अगर तुम तैयार हो गए मुख्यमंत्री से, भले तुम्हारी बात हो गई तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें मानना नहीं है, तुम्हें ये कहना कि नहीं साहब हमें फंसाया जाएगा और तुम्हें खिलाफ ही बोलना है। किस तरह कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 25 लाख छोड़ो, हम 50 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे, लेकिन जो प्रियंका वाड्रा कह रही है वो बोलो, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो बोलो। उत्तर प्रदेश को जातीय दंगों में झोंकना चाहते हैं। इसके पहले नागरिकता संशोधन कानून के जरिए आपने देखा होगा कि किस तरह दंगा फैलाने का प्रयास हुआ, लखनऊ में पत्रकारों को मारा गया, ओबी वैन जलाई गई, पीछे कौन आया? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, बकायदे फंडिंग की गई। और आज इस घटना में भी जिस तरह इन्होंने फंडिंग की है, आज ऑडियो वायरल हो चुके हैं, भले आप मत दिखाइए, आप अपने मीडिया के साथियों को कुछ छोड़ दीजिए, कांग्रेस के लोगों को भले छोड़ दीजिए, लेकिन पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आप एक अच्छे प्रवक्ता और एक अच्छे पत्रकार हैं। शलभ जी, इस तरह के वायरल ऑडियोस की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती जब तक वो साबित नहीं हो जाते। मेरा सवाल ये कि एक नेता होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते, अगर वो जाना चाहते हैं, अगर राहुल गांधी जाना चाहते हैं, तो क्यों आपत्ति है बीजेपी को, क्यों सरकार उन्हें रोकना चाहती है? देखिए, अगर ये स्पष्ट हो चुका है, आप कह रही हैं वायरल वीडियो ऑडियो की कोई सच्चाई नहीं है, क्या इसके पहले सुशांत के ऑडियो वीडियो को लेकर कोई बात नहीं की गई? अगर ये स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी दंगा कराना चाहते थे, प्रियंका वाड्रा दंगा कराना चाहती थी, आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस अगर जाती है तो माहौल बिगाड़ेंगे? आपको ऐसा लगता है वो माहौल बिगाड़ने के लिए जाना चाह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने सीएए प्रोटेस्ट के दौरान यहाँ पर नफरत बोई, यहाँ पे दंगे कराने का प्रयास किया, आगजनी कराई, और इस पूरी घटना में जिस तरह कांग्रेस के नेता का ऑडियो आया सामने और मीडिया ने खबर ब्रेक की है, हमने नहीं, मीडिया कह रही है 25 लाख ले लो, छोड़ो 25, 50 लाख देते हैं, 1 करोड़ देते हैं, कांग्रेस पार्टी जो बोल रही है वो करो, आगजनी करवा रहे हैं, ये पूरे प्रदेश में दंगा करना चाहते हैं, ये कांग्रेस का असली चेहरा है, ये राहुल गांधी का असली चेहरा है, ये प्रियंका वाड्रा का असली चेहरा है, ये जातीय दंगा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की
जनता को उनकी जान के साथ खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नफरत के बीज बोना चाहती है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी एक्सपोज हो चुके हैं, प्रियंका वाड्रा एक्सपोज हो चुकी है, ये नफरत फैलना चाहते थे, ये जातीय दंगा फैलना चाहते थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अगर सूझबूझ से काम नहीं लिया होता तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की जो साजिश थी 23 करोड़ लोगों के बीच में आग फैलाने की थी, नफरत फैलाने की थी। देखिए नफरत की राजनीति साधना जी, संशोधन कानून के वक्त भी इन्होंने आग लगवाई, सीएम प्रोटेस्ट के दौरान भी इन्होंने आग लगवाई, इन्होंने फंडिंग की, इन्होंने पीएफआई जैसे संगठनों के साथ मिलकर फंडिंग की, ये देश के साथ तारीफ करते करते आज 23 करोड़ जनता को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दंगा कराना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है इनके नेतृत्व में दंगे हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी दंगाई पार्टी है, आतरस का बहाना है, उत्तर प्रदेश को जलाना है। ये कांग्रेस साधना भारती जी, साधना भारती जी, शलभ जी को आपने सुना, हाथरस सिर्फ बहाना है कांग्रेस के लिए, हाथरस सिर्फ बहाना है, सिर्फ नफरत की राजनीति की जा रही है। साधना जी जवाब आप ये भी दीजिए, साधना जी बिल्कुल आपसे भी सवाल पूछना चाहूंगी, इनका जवाब दीजिएगा और ये भी बताइएगा जो राजस्थान के बारे में हुआ, क्या राजस्थान के बारे में भी यही संवेदनाएं कांग्रेस रखती है? क्या कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बारा भी जाएंगी? मैं बार बार सवाल दोहरा रही हूँ। अशोक गहलोत के बयान पर भी पूछिएगा, अशोक गहलोत बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हुए, अशोक गहलोत ने खुल के कहा कि जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है वो अपनी मर्जी से घूमने गई थी, मासूम दलित बच्चियों के टैंकों पर सवाल उठाए। अशोक गहलोत के बयान पर राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, प्रियंका वाड्रा को माफी मांगनी चाहिए। अशोक गहलोत से क्यों नहीं पूछते दो दलित बहनों के साथ बलात्कार हुआ और इनके नेता कहते हैं कि अपनी मर्जी से घूमने गई थी, इनको शर्म आनी चाहिए। अशोक गहलोत ने जो बयान दिया, इनके मुख्यमंत्री ने बयान दिया, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हुए, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होने वाले शलभ जी और साधना जी, शलभ जी साधना जी, दरअसल यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है। जब ऐसे समय में जब हर कोई सवाल कर रहा है, ऐसे समय में सिर्फ उत्तर प्रदेश, सिर्फ मध्य प्रदेश या सिर्फ राजस्थान ही नहीं, ऐसे समय में जब लोगों में नाराजगी है तो एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगातार किए जा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाते चले, फिर अनुराग भदौरिया का भी रुख करूंगी। ये तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं हाथरस जाने के लिए, साथ में मौजूद है प्रियंका गांधी भी, और अगर मैं गलत नहीं तो आप प्रियंका गांधी को देखिए, वो खुद ड्राइव करती हुई जा रही हैं आगे की तरफ, उनके साथ में राहुल गांधी भी मौजूद हैं, यानी कि आज राहुल गांधी के साथ में उनकी सारथी प्रियंका गांधी बनी हुई है। अनुराग भदौरिया, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आते हैं। आपने देखा इतनी देर तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता, और खासकर चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, हाथरस का नाम किसी ने नहीं लिया। हाथरस चूंकि वहाँ पे एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे राजस्थान में ज़्यादा रेप हो रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में उतने ज़्यादा नहीं हुए हैं। वो कह रहे हैं तुम्हारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, मतलब अब ये कंपेयर होगा कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, मतलब आप महिलाओं के साथ अन्याय होगा वो आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे कंपेयर करके जी। अगर वहाँ हुआ है तो यहाँ हो गया कोई बात नहीं, ये मानसिकता अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की है तो समझो डूब मरो। मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सरकार ने जिस तरह से बच्ची को बिना बच्ची के, एक बच्ची को माँ बाप पैदा करके बड़ा करते हैं, बड़ा करके उसको पढ़ाते लिखाते हैं, आप उस बच्ची के रात के अंधेरे में डेड बॉडी उसकी ला के पेट्रोल डाल के जला देते हैं लेकिन उसकी माँ को नहीं देखने देते हैं, आप सोचो इससे बड़ा अन्याय हो सकता है क्या? ऐसी कोई घटना नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, सेंटेंस तो बोलने दीजिए पूरा, अच्छा सुन तो लीजिए, मैं बोल तो लूँ पूरा, बड़े इतनी देर बाद आए आप तो मैं आपसे कह रहा हूँ, इतनी बड़ी घटना अगर किसी अपने देश में कहीं हुई हो तो बता दो कि एक माँ को उसकी बच्ची का चेहरा। बिल्कुल अनुराग जी आपका रुक करूंगी, लेकिन अभी रुक करना मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर का जरूरी है, वो इस समय हाथरस में मौजूद हैं क्योंकि इस समय डीजीपी मौजूद हैं हाथरस में, वहां पे पहुंचे हैं, परिवार से मिले हैं। धीरेन्द्र जी, आखिर क्या बात हुई, किस तरह का आश्वासन दिया गया है?
देखिए अभी लगातार अगर आप देखेंगे वो अंदर 3:20 से लगातार वो आए और 2:20 से उसके बाद वो अंदर ही हैं। इसके बाद अंदर लगातार वो बातचीत कर उस परिवार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ क्या हो सकती है जिस आश्वासन से वो परिवार माने, आपको दिखेगा कि जो सबसे बड़ी चूक थी वो पुलिस प्रशासन की चूक थी। उसके बाद अगर आप इस पूरी कहानी के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, सफदरजंग तक हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं, वहाँ से बॉडी के देने तक उनके परिवार वालों को ये नहीं पता था कि बॉडी कहाँ तक दी जा रही है, उसके बाद उसके संस्कार तक, यानी लगातार अगर आपको दिखेगा तो इसमें कोई भी अगर कोई सबसे बड़ा गुनहगार दिखाई देता है तो वो खाकी वर्दी है। वो खाकी वर्दी जो ये समझने में नाकाम रही कि आखिर ऐसे राज्य में जिस हिंदू वोट के नाम पर ये सरकार सत्ता में आई उसी के प्रावधानों को तिलांजलि देकर, यानी शाम के बाद किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं होता, वो तमाम चीज़ें एक के बाद एक चीज़ें शायद वो सबको आश्वासनों के सहारे बताने की कोशिश कर रहे होंगे। और जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं, हाथरस से अंदर घुसते हैं, तो आपको दिखता है हजारों की तादाद में वो पुलिस वाले जो गांव से लेकर घर तक के बीच की एक चेन बनाते हैं, उसके बीच से अगर एससी अवस्थी या अवनीश अवस्थी आते हैं तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि सत्ता किस तरह से सियासत के इशारों पर जो शासन है वो किस तरह काम करता है, क्योंकि सियासत यहाँ अब चल रही है, इंसाफ का घेरा अभी भी उतना ही छोटा है, अभी भी कोई एक ऐसी चीज नहीं दिखती जो ये लग रहा हो कि वो सीधे तौर पर उनको ये बताने की कोशिश करें, क्योंकि आखिरकार कुछ ट्रांसफर कुछ तबादले, लेकिन कोई भी FIR इस तरह की नहीं है जो ये साबित करे कि हाँ कोई पूरी तरह से इस घटना की जांच जो करने के लिए सरकार तैयार है। अभी वो जो चीज बताने की कोशिश कर रहे होंगे, अगर हम देखें तो जो पुराना रवैया रहता है सत्ता का कि सिर्फ मुआवजे या फिर कुछ कहानियों के साथ उसको दफनाने की कोशिश की जाती है, यानी उस इशू को वो वापस वहीं ले जाकर दफना देना चाहते हैं जहाँ से वो शुरू होता है। जी बिल्कुल धीरेन जी, लेकिन सबसे गंभीर बात तो यही हो जाती है कि जो इस परिवार ने झेला, जो जख्म इस परिवार को मिले, शायद वो कोई शब्द चाहे कोई मुआवजा वो जख्म कभी कोई नहीं भर सकता। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा भी मौजूद हैं, हम उनका भी रुख करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कुछ देर के बाद में हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया भी हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। शलभमणि त्रिपाठी, एक बार फिर से आपका मैं रुख करना चाहूंगी, प्रियंका का रुख करने से पहले शलभ जी वो मजबूरी आपसे जानना चाहेंगे, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी? तो दीजिए जवाब पूछूंगा, जब जब पूछूंगा तभी तो। अच्छा चलिए चलिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा किस तरह से, देखिए भारतीय जनता पार्टी के आपने रवैया देखा होगा कि अगर कोई कमजोर है, किसान की बेटी है, कमजोर बेटी है, जिसके पास धन दौलत नहीं है, उसकी बच्ची के साथ अन्याय हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर सकती है, लेकिन कोई है जिसका नाम है, शौहरत है, जिसके पास ताकत है, उसका छज्जा भी अगर कोई मशीन छू देगी तो उसको वाई क्लास की सिक्योरिटी दे देगी, ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। जनरल डायर की तरह आपने सारे परिवार को घर के अंदर बंद करके उसकी बेटी को जला दिया, ये तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ होगा। जितना मैं कहता हूँ जितना इन्होंने वो भर पाया है, इतना मुझे लगता है अंग्रेजों की सरकार में भी नहीं हुआ होगा कि जिस तरह बच्ची का बलि देकर दिया, उसकी बॉडी को जला दिया, उस बात कंपेयर करते हो कि राजस्थान में नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, महिलाओं के अत्याचार में नंबर वन है। इनकी आवाज दबाई तो मैं बोलूं जरा, देखिए वो अनुराग क्यों कहते हैं परिवार को भाई आइडियल बातें बोलते हैं, अरे सुन लीजिए अनुराग, इतनी आदर्शवादी बातें बोलते हैं और इनके नेता कहते हैं कि लड़कों से आप पता ही क्यों नहीं बस इतना बता दीजिए कि आप उनके परिवार को अंदर क्यों बंद किया, परिवार को अंदर क्यों बंद किया, बस इतना बता दीजिए, मुझे कुछ नहीं पूछना आपसे। सवाल एक ही है कि क्या माँ का हक नहीं था अपनी बच्ची को देखने का? क्या माँ का हक नहीं था? क्या DGP सस्पेंड नहीं होने चाहिए? क्या ADG लॉ एंड ऑर्डर सस्पेंड नहीं होने चाहिए? क्या प्रमुख सचिव गृह सस्पेंड नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए तो बताइए, आप SP को सस्पेंड करते हो, DSP को सस्पेंड करते हो, DM सस्पेंड नहीं होने चाहिए, कमिश्नर सस्पेंड नहीं होना चाहिए? आप उस बच्ची के साथ कितना बड़ा अन्याय किया? दरअसल ये कोई राजनीतिक रैली या किसी मंच की तस्वीर नहीं, ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीर है, और इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात इसीलिए किया गया है क्योंकि आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सांसद और कार्यकर्ता जा रहे हैं हाथरस, ये माना जाए कि आज भी क्या उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आप देखिए ऐसा लग रहा है कि सैकड़ों की संख्या में यहां पर सुरक्षा बल मौजूद हैं।
बैरिकेटिंग की गई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी तरह से तैयार हैं, जो ऐसे ही आगे बढ़ने की कोशिश होगी शायद रोका जाएगा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीर, ऐसी तस्वीर शायद पहले दिल्ली नोएडा बॉर्डर इस जीएनडी पर शायद पहले कभी नजर नहीं आई हो। इसके पहले आपने ऐसे कभी हालात नहीं देखे हो। एक तरफ आपको कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद होते हुए नजर आते हैं। आप देखिए, ऐसा लग रहा है पूरी तरह से अपनी पोजिशन पर यहाँ पर तैनात है सुरक्षा बल। और अब से कुछ देर के बाद में इसी डीएनडी पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचने वाले हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने निवास से अब रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे आखिर यहां पे अब डीएनडी पर क्या होने वाला है, एक छोटे से ब्रेक के बाद।